नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम पनीर की सिंपल और इजी रेसिपी बनाएंगे और ये सब्जी हम स्पेशली बच्चों के लिए बनाएंगे। तो आइए इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। पनीर की सब्जी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम कर लिया है। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच रिफाइन का तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें आधा चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने लगा है, अब हम यहाँ पर एक बड़े आकार का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। साथ ही साथ यहीं पे हम एक बारीक कटी हरी मिर्ची डाल देंगे और डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। प्याज को भूनते समय गैस का आंच हम मीडियम रखेंगे। तेज आंच पे हम प्याज को नहीं भूनेंगे, नहीं तो प्याज हमारा जलने लगेगा। बीच बीच में एक दो बार हम इसे चलाते ज़रूर रहेंगे। प्याज हमारा हल्का सा सुनहरा हो गया है, अब हम गैस का आंच बिल्कुल धीमा कर देंगे और यहाँ पर सूखे मसाले डाल लेंगे। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, इससे हमारी सब्जी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप इसे तीखा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बिल्कुल भी मिर्ची ना डालें। साथ ही साथ यहीं पे हम आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच नमक डाल देंगे और डाल के इन सभी मसालों को बिल्कुल धीमी आंच पे ही 30 सेकंड तक भून लेंगे। ये हमारे सूखे मसाले हैं जिसे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये जल्दी भून कर तैयार हो जाता है। मसाले से तेल निकलने लगा है, अब हम यहाँ पे एक बड़े आकार का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और डाल के इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के बिल्कुल धीमी ही आंच पे इसे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी पक जाएं। इसे पकाते समय गैस का आंच हम बिल्कुल धीमा ही रखेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना और ये आसानी से पक जाएं। लेकिन हाँ, बीच बीच में एक दो बार हम मसाले को चलाते ज़रूर रहेंगे। हम ये सब्जी स्पेशली बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 चम्मच टमाटो सॉस डाल देंगे जो हमारी सब्जी को एक हल्का सा मीठेपन का टेस्ट देगा, जिसकी वजह से ये सब्जी बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है। मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। पैन के कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि तेल निकलने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप पानी डाला है, डाल के इसे मिक्स कर लेंगे और मीडियम आंच पे इसे हल्का सा पका लेंगे। ग्रेवी में उबाल आने लगा है, अब हम यहाँ पे कटा हुआ पनीर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम पनीर लिया है जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप इसे अपने मन चाहे शेप में काट के डाल सकते हैं। पनीर की इस सब्जी में मैंने पनीर को बिना फ्राई किए डाला है, अगर आप चाहें तो पनीर को हल्का सा फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और ढक के इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे जो हमारी सब्जी को एक स्वाद तो देता ही है, साथ ही साथ इसकी वजह से जो हमारी सब्जी है वो देखने में और भी ज़्यादा अच्छी दिखती है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इस सब्जी को एक बाउल में निकाल के गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इस पनीर की सब्जी की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर इस रेसिपी को बनाते समय आपको कोई भी परेशानी आए तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आप सभी के सवालों का जवाब दे सकूं। मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ आपके अपने मनपसंद चैनल रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।